नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, कनाडा में एक बहुत बड़ी हिंदू विरोधी साजिश को अंजाम दिया गया है। किस तरीके से ट्रूडो को मोहरा बनाया गया है और एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सत्ता की लालच में इतने अंधे हो गए कि कनाडा की सत्ता खालिस्तानियों के हाथ में सौंप दी है। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं की जिंदगी इतनी भयंकर होने वाली है, इतनी भयंकर होने वाली है कि कनाडा के हिंदुओं के लिए अब कनाडा दूसरा पाकिस्तान और कश्मीर बनने वाला है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कनाडा और भारत के रिश्तों के बारे में। ऐसे तीन फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी वीडियो घूमेगी। दोस्तों, आज आपको बताएंगे थिंक टैंक के माध्यम से जियोपॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि हम हमेशा सनातन की वीडियो लेके आते हैं, सनातन के लिए आपको जागरूक कराते हैं। लेकिन आज आपको कनाडा और भारत से जुड़ी ऐसी जियोपॉलिटिक्स आपको बताएंगे जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आज कनाडा में रहने वाले सभी हिंदुओं के लिए हमारी ये वीडियो है, सभी खालिस्तानी समर्थकों के लिए हमारी ये वीडियो है, और ट्रूडो जैसे शासकों के लिए ये वीडियो है जो जनता को ताक पर रखकर जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन अपनी सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कनाडा में क्या हो रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की जो मर्डर हुआ है, जो भी हुआ है, उसके लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है और भारत को इसका इल्जाम दिया जा रहा है, भारत को इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन इसके इर्द गिर्द घूमते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा है, जस्टिन ट्रूडो जो G20 समिट में अभी अभी हिस्सा लेके गए हैं, उन्होंने इंडिया आने से पहले भारत और कनाडा की ट्रेड डील जो होती है, जो व्यापार होता है, उसे होल्ड कर दिया था। तो आने से पहले ही होल्ड क्यों किया? क्या उन्हें पता था कि उनके आने के बाद कुछ ऐसा होगा जिसके बाद उन्हें सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? क्या उन्हें पता था कि भारत आने पर उनका भयंकर अपमान होने वाला है? चूंकि जस्टिन ट्रूडो 2018 में भी भारत आए थे, जहां पर उनके संग कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने एक गांव के सरपंच जितनी अहमियत भी उन्हें नहीं दी थी, सरपंच को बहुत अहमियत मिलती है, तो इनके साथ जब ऐसा बार पहले भी हो चुका है, तो अब उन्होंने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? साल 2018 में ट्रूडो की तरफ से इस तरीके के कदम क्यों नहीं उठाए गए और आज ही क्यों उठाए हैं? इसी के साथ साथ तीसरे सबसे बड़ा फैक्ट जिसके बारे में आपसे किसी ने बात नहीं करी होगी, जो हरदीप सिंह निज्जर है, जिसकी जो मर्डर है, जो भी कह सकते हैं हत्या, वो जून के महीने में हुई थी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज जरूरत आन पड़ी जस्टिन ट्रूडो को इस मुद्दे पर बात करने की? ऐसा कौन सा वक्त ढूंढा जस्टिन ट्रूडो ने? 2025 में चुनाव है कनाडा में और आज ही भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को कहीं ना कहीं पता था अपनी हरकतों के कारण, और पहला जैसा उनके संग हो चुका है, उन्हें पता था कि उनके साथ भारत में आने पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ इस तरीके का होने वाला है कि उन्हें ट्रेड डील को होल्ड करना पड़ा। उन्हें पता था, G20 समिट की बैठक में आए हैं, भारत की मीडिया तो जाने दीजिए, लेकिन विदेशी मीडिया, कैनेडियन मीडिया भी इस तरीके के सवाल उठा रही है। बंद कमरे में जस्टिन ट्रूडो के साथ कुछ ऐसा हुआ, उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई नरेंद्र मोदी जी ने, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वे खालिस्तान का समर्थन करते हैं, खालिस्तानियों को साथ लेके चलते हैं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? साल 2018 में ये जस्टिन ट्रूडो जी भारत आए थे, पंजाब में आए थे, पंजाब में अपने साथ खालिस्तानियों की पूरी फौज लेकर आए। तो आप सोचिए, ऐसे में इनका सम्मान कैसे किया जा सकता है? और इसीलिए मैंने आपको इससे पहले बताया कि जस्टिन ट्रूडो का सम्मान एक गांव के सरपंच जितना भी नहीं किया गया। तो ऐसे में अब आप सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो जो खालिस्तानियों को अपने साथ लेके आ रहे हैं, खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की केवल एक ही नीति है, जीरो टॉलरेंस।
जो खालिस्तानियों का सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ 1% भी सहनशीलता नहीं दिखाई जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को कौन चला रहा है, जस्टिन ट्रूडो की इन सभी हरकतों के पीछे किसका दिमाग है, आखिरकार कौन उन्हें गाइड कर रहा है और आखिरकार किस लिए वह इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं और खालिस्तानियों का इतना सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको अब देने वाली हूं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में G20 की समिट की बैठक में सारे नेता मंत्री विदेशों से लोग आए, सब देशों के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक आए, सभी को सम्मान दिया गया, लेकिन जो प्रधानमंत्री की हैसियत से सम्मान मिलना चाहिए था जस्टिन ट्रूडो को, वो भारत के द्वारा नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। उल्टा उन्हें फटकार लगाई गई है भयंकर तरीके से उनकी हरकतों की वजह से, और इतनी बचकानी हरकत कनाडा की तरफ से की गई है, इतनी बचकानी हरकत कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे हंसी आती है। अरे यदि आपको इतना ही शक है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत के द्वारा की गई है तो आपने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करी, आज तक आपने इस हत्याकांड में एक भी रिपोर्ट तैयार नहीं करी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप हवा में तीर मार रहे हैं। आपकी विदेश मंत्री सरेआम भरे बाजार कह रही है कि मर्डर शायद हुआ है, उस मैडम को यह भी नहीं पता कि मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, किसने मारा है। आपकी विदेश मंत्री नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रही है कि मर्डर शायद हुआ है और आप भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास एजेंसी है, डिप्लोमेट्स हैं, आपके पास बड़े बड़े बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, आपके पास बड़े बड़े विद्वान हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए, आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आखिरकार 3 महीने हो गए हैं इस वाक्य को, आपने अभी तक कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया, लेकिन आपने भारत के ऊपर इल्जाम डंके की चोट पर बड़े जोर शोर से लगाया है, यह है आपकी राजनीति। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जून के महीने में इन हरदीप सिंह निज्जर जी की हत्या हुई थी तो आपने तब इन महाशय के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, तब आपने भारत पर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, क्या तब आपको नहीं पता था कि भारत के ऊपर इल्जाम लगाने हैं, या आपको आइडिया नहीं था कि भारत आपका इतना अपमान करने वाला है। जो अपमान इनका हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इन भाई साहब ने भारत आने से पहले ट्रेड डील को होल्ड कर दिया था, भारत और कनाडा की डील को। शायद इन्हें लगा था कि अगर हम ट्रेड डील होल्ड कर देंगे तो भारत में हमारे संग अच्छा सलूक किया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हम रखेंगे, हमारे ऊपर भारत से ऊपर कुछ भी नहीं है, भारत हमारे लिए सुप्रीम है, भारत से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई ट्रेड ना कोई व्यापार, जिसके तहत जस्टिन ट्रूडो का भयंकर अपमान हुआ, बंद कमरे के अंदर डांट और फटकार भी लगाई गई, जिसके बाद ताऊ में आकर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा पहुंचते ही पहले तो भारत के खिलाफ बयान दिया कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करी है जो कनाडा के नागरिक है, अभी नागरिक कहां से है वो एक अलग ही बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, जिसके ऊपर NIA ने 10 लाख का इनाम रखा है, वो कनाडा का नागरिक बन चुका है। तो अब ऐसे में ये नीति भी इनकी फ्लॉप हो गई कि ट्रेड को स्टॉप कर देंगे तो भारत झुक जाएगा। दोस्तों कनाडा और भारत की ट्रेड की बात करें तो 3 मिलियंस का ट्रेड है, यानी कि 30 लाख का, वो भी पर ईयर, और वही अमेरिका और कनाडा के ट्रेड की बात करें तो 3 मिलियन का उनका ट्रेड पर डे का है। तो अब ऐसे में ज्यादा फर्क ना भारत को पड़ा ना कनाडा को पड़ा, ट्रेड जो डील थी वो पूरी तरीके से अब कैंसिल हो चुकी है। इसी के साथ साथ भारत ने जवाबी कार्यवाही करते हुए, क्योंकि जैसे ही ये खबरें तेज हुई तो कनाडा ने भारतीय दूतावास जो कि कनाडा में है वहां के ब्यूरोक्रेट्स को वापस भेज दिया। जवाबी कार्रवाई ने नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कनाडा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दूतावास में राजकीय रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जलील करके, यानी कि जैसे को तैसा नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दे दिया है, और जो लोग भारत को कमजोर समझते हैं उन सभी के मुंह पर जोरदार चाटा पड़ा है, इस गाल पे भी और उस गाल पे भी। और यही बातें खत्म नहीं होती हैं, जस्टिन ट्रूडो जी का जो काला इतिहास है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार खालिस्तानियों पर इतनी मेहरबानी क्यों, क्योंकि उनकी जो सरकार टिकी हुई है वो खालिस्तानियों की मेहरबानी टिकी हुई है। इनकी सरकार में जो रक्षा मंत्री है उसका नाम हरजीत सज्जन है, इनके कैबिनेट में मोस्टली जो मंत्री है वो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, खालिस्तानी स्टैंड रखते हैं, और यही नहीं
जिसके साथ गठबंधन से इनकी सरकार बनी हुई है वो बहुत बड़ा खालिस्तानी समर्थक है जिसका नाम है जगमीत सिंह। तो अब ऐसे में खालिस्तानियों के सुर तो ये गाएंगे ही गाएंगे क्योंकि इनकी सरकार चला रहे हैं, इन्हें सिख वोट चाहिए। जैसे ही सिखों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सारा खालिस्तानी सपोर्ट इनसे दूर चला जाएगा, सिख वोट इनसे दूर हो जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अपनी कुर्सी की आवाज में इन्होंने पूरे कनाडा को ताक पर रख दिया है, वहां के हिंदुओं को बाहर जाने के लिए बोल दिया है, हिंदुओं को धमकी मिल रही है, इन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 2025 में इलेक्शन है, अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में मैंने कहकर शुरुआत करी थी कि कनाडा में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होने वाली है, भयंकर इतिहास लिखा जाने वाला है कनाडा के हिंदुओं को लेकर, क्योंकि अब जब भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हो गए हैं, दूतावास में से दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स को बाहर भेज दिया गया है, और ऐसे में गुरपतवंत सिंह जो सिख फॉर जस्टिस का नंबर वन का लीडर है, जो भारत में भारतीय एजेंसियों के बाहर खालिस्तानी झंडे फहरवा सकता है, विदेशों में आए दिन मंदिरों के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के नारे लगवा सकता है, जो आए दिन भारत में बड़ी बड़ी कार्यवाही करवा सकता है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हत्याएं सब कुछ करवा सकता है, उस व्यक्ति ने अब कनाडा के हिंदुओं को धमकी दे दी है कि जल्द से जल्द कनाडा छोड़ के भाग जाओ। तो अब ऐसे में आप इमेजिन कर सकते हैं, एक वारिस की तरह होता है हमारे लिए परदेश में हमारे देश का दूतावास। अब भारतीय दूतावास में से वहां के राजकीयों को बाहर निकाल दिया गया है, तो अब कौन भारतीयों की आवाज सुनेगा, कौन उनके दुख को सुनेगा? अब भारतीयों के साथ मौत का नंगा नाच जल्द से जल्द कनाडा में देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, वहां दूतावास से राजकीयों को बाहर निकाल फेंका है। तो अब ऐसे में आप इमेजिन कर सकते हैं वहां रहने वाले हिंदुओं की स्थिति क्या हो रही होगी। जो व्यक्ति भारत में इतनी बड़ी कार्यवाही कर सकता है, गुरपतवंत सिंह की मैं बात कर रही हूं, तो वो विदेश में क्या कुछ नहीं कर सकता, जहां ना कोई हिंदू सरकार है, ना कोई हिंदू नेता है, ना उनके लिए सोचने वाला कोई व्यक्ति है। तो अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कनाडा और भारत के रिलेशन खराब होने का सबसे भयंकर असर किसके ऊपर पड़ने वाला है। अब ऐसे में भारत को चाहिए कि वह अमेरिका की मदद ले, नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की मदद लेनी चाहिए और कनाडा में रह रहे हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कनाडा में सरेआम हो रही है। खालिस्तानियों ने एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है जस्टिन ट्रूडो को, और एक और सोने पे सुहागा मैं आपको बता दूं, जॉर्ज सोरोस, जो भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, भारत का दुश्मन जॉर्ज सोरोस और सबसे बड़ा दुश्मन खालिस्तानी, अब ये दोनों मिल गए हैं और दोनों ने मिलकर आतंक मचा रखा है कनाडा में। अब देखना होगा कि वहां के लोगों की स्थिति क्या होती है। लेकिन कनाडा और भारत के जो रिलेशन है इस समय, जो मैंने आपको समझाए हैं, वो अपनी चरम सीमा पर खराब हो चुके हैं। अब ऐसे में केवल सोचना है हमें उन भारतीयों का जो कनाडा में रह रहे हैं, जिनके लिए अब नरेंद्र मोदी जी को ही कुछ करना होगा। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें आप कमेंट करके अपनी राय लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपको कहना है अपना मैसेज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट को शेयर करिए, लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।